आप देख रहे हैं पलपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम मकरम। एक गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर ज्यादा चल रहा है, मुंह पे लगा ले ताला मैं झुकेगा नहीं साला। पर यहाँ अब उल्टी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली है, जब एक के बाद एक खाड़ी देशों से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई, ना कि बजाबता प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि भारतीय राजदूतों को अरब खाड़ी देशों के पास जाकर के माफी मांगनी पड़ रही है। इससे पहले, माफ कीजिएगा, देश में ऐसे पहले कभी तस्वीर सामने नहीं आई। और इतने बड़े लेवल पर भारतीय सामानों का बायकॉट किया जाए, ऐसी तमाम चीजें देखने को मिली हूं। पर ऐसा हो रहा है मोदी जी के राज में, और जब मोदी जी के राज में ये सब तस्वीरें देश में देखने को मिल रही हैं, तो अब मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि दुनिया भर में जलालत होने से बेहतर है कि उन नेताओं के ऊपर लगाम लगाई जाए जो आए दिन देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। यानी कि अब साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मुंह पर ताले भी लगेंगे और झुक करके अदब से रहा भी जाएगा। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के अलावा उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के दंगाई चेहरों को चिन्हित कर लिया है जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और इन लोगों को कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसमें 38 नेताओं की लिस्ट बनाई गई है और 27 को हिदायत दी गई है कि अगर इस्लाम विरोधी या मुस्लिम विरोधी कोई भी टिप्पणी की तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, यानी कि पार्टी से निकाला भी जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में अरब देशों का खौफ जो है दिलों में घर कर गया है, और जब दिलों में अरब देशों का खौफ घर कर गया है तो 38 नेताओं की लिस्ट तैयार, 27 को हिदायत तक दे डाली। इनमें कौन कौन नाम शामिल हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है। इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले लें। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अब स्पीच देने के लिए जो नफरत ये फैला रहे थे, परमिशन लेनी पड़ेगी। और धार्मिक मुद्दों से आपको बचना पड़ेगा, जो आए दिन इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी टिप्पणियां आप कहीं भी किसी भी जगह करते हुए दिखाई देते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई के बाद भाजपा एक्शन में दिख रही है। नेताओं के पिछले 8 साल यानी कि सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए हैं। 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया है, जिनमें 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया है। मतलब इतना ज्यादा खौफ भारतीय जनता पार्टी में, जो भारतीय मुसलमानों को आए दिन उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, पर यहां साक्षात घुटनों पर आकर के अपने नेताओं की जुबानों पर ताला लगाने का काम भी अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हेट स्पीच देने वाले नेताओं में अनंत कुमार हेगड़े, शोभा गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिन्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम के नाम शामिल हैं। और इन्हें हेट स्पीच की कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया है और इन लोगों को कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दिया है, हिदायत दी है कि हाथ जोड़ करके जो भद अब दुनिया भर में आप लोगों की वजह से पिट रही है हमारी, उस पर लगाम लगाइए। जिसमें
कुवैत भारत में बने सामानों की बिक्री रोक रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद अरब देशों में बायकॉट, इंडिया सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था। इस बीच कुवैत के कुछ सुपर स्टोर्स ने भारत में बने सामानों की बिक्री रोक दी। कुवैत सरकार ने कहा कि भारत में सत्ता में मौजूद पार्टी के नेताओं ने मुस्लिमों की भावनाओं को आहत किया, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यूएई, जॉर्डन, इंडोनेशिया ने भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों पर आपत्ति जताई है। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने भारत की आलोचना करते हुए यूएन से मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इधर भारत ने ओआईसी के बयानों को संकीर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, कुछ लोगों की अमर्यादित टिप्पणी भारत सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करती, और जब ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित करने में अपने नेताओं को समय नहीं लगाया। पर यहां सवाल ये उठता है कि वक्त रहते अगर इन नंगाई चेहरों पर लगाम कस दी जाती, तो आज भारत सरकार को या हर एक भारतवासी को यह तस्वीर नहीं देखनी पड़ती जो आज मोदी सरकार की हरकतों की वजह से दुनिया भर में हम लोगों की थूथू हो रही है। ये तस्वीर बहुत मायने करती है, क्योंकि खलबली जबरदस्त तरीके से मची है। और क्यों भारत सरकार द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है, इसको भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी की चपेट से अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह उबर नहीं पाई है। ऐसे में अगर ये मामला ज्यादा तूल पकड़ता है तो इससे देश की आर्थिक सेहत को काफी नुकसान पहुंच सकता है। भारत अपनी जरूरत का 84% तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अरब देशों का सहयोग भारत के साथ किस तरह से है, वो दुनिया के आगे छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि आए दिन 56 देश मुस्लिम देश करने वाले, राग अलापने वाले, कभी मस्जिद के अंदर मंदिर की बातें कहने वाले, कभी ताजमहल को मंदिर घोषित करने वाले, और कुछ एक तो इतना आगे अपनी नफरत की स्पीच में निकल गए कि मक्का मदीना तक को ही मंदिर घोषित करने से बाज नहीं आए। अब इन लोगों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरी कर ली गई है, और भारतीय जनता पार्टी ने कड़े शब्दों में यह अल्टीमेटम दिया है अपने नेताओं को कि आपको लगाम लगानी पड़ेगी, और अगर आप अपने मुंह पर ताले नहीं लगा सकते तो हमारा हंटर चलने में भी देरी नहीं लगेगी। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में कभी ये कदम नहीं उठाया, पर जब इंटरनेशनल लेवल पर मुद्दा हाई प्रोफाइल बन गया तो भारतीय जनता पार्टी को ये एक्शन लेना पड़ा। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।